हेलो फ्रेंड्स, इस समय मैं तुर्की के मिलेतुस में हूँ। मिलेतुस इफ्सुस से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और आप मेरे पीछे एक देख रहे हैं, ये थिएटर है। थिएटर जो है तुर्की में बहुत सारे थिएटर्स हैं, ये रोमियो के द्वारा बनाया गया है। थिएटर्स में सब लोग इकट्ठा होते थे जब उनकी जरूरी सभाएँ होती थी। आप देख सकते हैं ये 2000 साल पुराना शहर है, बहुत ही खूबसूरत होगा उस समय, लेकिन अब तो ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, लेकिन विभाग के अंडर है ये। और यहाँ देखने के लिए अब टिकट लगती है, लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, और मैं भी आया हुआ हूँ। थोड़ी देर में मैं मिले तो उसकी बिब्लिकल बैकग्राउंड भी आपको बताऊँगा एक अलग वीडियो में। हेलो प्रिय दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड। इस समय आप मेरे पीछे कुछ देख रहे हैं, एक बहुत प्राचीन शहर है। लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर एक शहर होता था, इसका नाम मिलेतुस। मिलेतुस जो है इफ्सुस से 50 किलोमीटर दूर है। तो मैं इस शहर के बारे में क्यों बता रहा हूँ और क्यों इस उजड़े हुए शहर को देखने के लिए आया हूँ, जबकि अभी कुछ ही निशानियाँ इस शहर की बची है, पत्थर बचे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी ये टूटा फूटा शहर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसकी ये वजह है कि ये एक बहुत हिस्टोरिकल जगह है उन लोगों के लिए जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं। तो ये मिलेतुस जो है इफ्सुस से 50 किलोमीटर दूर है, और जब आप इसको प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 17 वचन से आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इस जगह की जो महत्वता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो आपको समझ आ जाएगी। ये वो जगह है जब पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान इन इलाकों में आए थे, और जब वो वापस जाने वाले थे यरूशलम में तो उनको इफ्सस में से होकर जाना था, लेकिन उसके पास टाइम बहुत कम था। वहाँ लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में 20वें अध्याय में कि वो जो पेंतेकुस्त का पर्व है वो चाहते थे कि वो यरूशलम में जाकर मनाएं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो इस इलाके के इफ्सुस, पेरागमन, सार्दिस, जो यहाँ पर कलीसियाएं थी, फिलाडेल्फिया, तो उन सब अगुओं को पौलुस जी ने इस जगह पर बुलाया था मिलेतुस में। और हम जब वहाँ पढ़ेंगे, आप जरूर पढ़िए उस घटना को, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 17 वचन से आगे। तो पौलुस जी उन सब अगुओं को, उन भाइयों को जब मिलते हैं तो एक बड़ी इमोशनल स्पीच देते हैं। पौलुस जी अपने उन पुराने दिनों को याद करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने 3 साल इन इलाकों में सेवकाई की है। पौलुस जी बताते हैं कि मैंने किसी के ऊपर भार नहीं बना, मैंने दुख सहे, तकलीफें सही, यहूदियों के षड्यंत्र सहे। तो पौलुस जी बताते हैं कि मैंने तुमसे सोना चांदी नहीं मांगा, मैंने मुझे जो भी भूख प्यास थी वो आत्माओं की थी। तो यूँ समझिए कि पौलुस यहाँ पर अपनी सेवकाई उन अगुओं के हाथ में देकर जा रहे हैं। तो फिर पौलुस जी लास्ट में उनको बोलते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, आत्मा में बंधा हुआ यरूशलम में जा रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि तुम लोग मेरा मुंह कभी देखोगे या नहीं देखोगे। तो जब पौलुस जी ने उनसे बातें की, फिर उनसे विदाई लेनी चाहिए, तो यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम जब 20 अध्याय की आप आखिरी आयतों में आएंगे, वहाँ लिखा लोग पौलुस को गले मिलकर रोए, बहुत रोए, और उन्होंने पौलुस का मुँह चूमा। वो इस बात से रोए थे क्योंकि जब पौलुस ने कहा था कि शायद तुम मेरा मुंह फिर कभी ना देखो, और यही हुआ था, बाद में वो पौलुस को कभी नहीं मिले। तो ये वो जगह है यहाँ पर पौलुस ने इतने साल सेवकाई करने के बाद अपने अगुओं से, अपने उन डिसाइपल से अंतिम विदाई ली थी। मैं उस समय पौलुस का चेला नहीं था, लेकिन मैं वो चीज़ को फील कर सकता हूँ कि जब किसी खुदा के सेवक ने किसी जगह पर इतने साल सेवकाई की हो। आज हम जब सेवकाई में हैं, हम एक कंफर्ट जोन में हैं, हमारे पास सब सुविधाएं हैं। जब मैं कुछ दिनों से इस इलाके में हूँ तो मैं फील कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो प्रभु के सेवकों ने यहाँ पर सेवकाइयाँ की थी। उस समय उनके पास इतनी सुविधाएँ नहीं थी, लेकिन पौलुस कहाँ से, यरूशलम से किस तरीके से इस इलाके में आए और इन इलाकों में उन्होंने सेवकाई की थी। जब तक मैं यहाँ नहीं आया था
तो मेरे लिए यही था कि शायद ये बहुत आसान होगा, लेकिन ये बहुत बहुत कठिन है। कितनी कितनी दूर पर जो कलीसियाओं की स्थापना की, किस तरीके से, और ये बहुत ठंडा एरिया है। अगर हम तुलना करें इसराइल के मुकाबले, तो मैं जब पढ़ता था मैं कि पौलुस जी कई बार जिक्र करते हैं कि सर्दी हो गई है, मेरे सर्दी वाले कपड़े भेज दो, वो लिखते हैं कि ठंड हो गई है। लेकिन इन इलाकों में आकर मैं इस चीज़ को फील कर रहा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने सेवकाई की थी। और मैं एक बड़ा चैलेंज लेके यहाँ से जा रहा हूँ। वो टाइम उन डिसाइपल्स के लिए और उन अगुओं के लिए बहुत इमोशनल था, क्योंकि पौलुस ने उनको कहा था कि शायद तुम मेरा मुंह फिर कभी नहीं देखोगे, और ऐसा ही हुआ है। जब पौलुस जी यरूशलेम में चले गए, उसके बाद हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, लूका उसके बारे में बहुत डिटेल में लिखता है, वो फिर कभी नहीं मिले। उसके बाद पौलुस जी यहाँ नहीं आए, यरूशलेम के बाद वो फिर से रोम में चले गए थे। लेकिन खुदा के उन सेवकों ने इन इलाकों में जो सेवकाइयाँ की थी, आज उसी की बदौलत यहाँ पर कलीसियाएँ हैं। और जो वो अगुए थे वो पूरे जाके यूरोप में फैल गए, और यूरोप में आज आप देखते हैं कि किस तरीके से कलीसियाओं की स्थापना हुई है। तो ये मेरे लिए भी बड़ा इमोशनल पल है, क्योंकि हमें अभी बताया गया था कि ये वो जगह थी यहाँ पर से पौलुस ने अपने जो उसके साथ डिसाइपल थे उनसे उन्होंने विदाई ली थी, और वो किस तरीके से रो रहे थे, पौलुस को लिपट लिपट कर वो चूम रहे थे और वो रो रहे थे, क्योंकि पौलुस ने उनको कहा था कि शायद तुम मेरा मुंह फिर कभी ना देखोगे। तो प्रियो, मैं बहुत इमोशनल हूँ इस जगह पर आकर, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे। मुझे नहीं पता आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लिखी है लगी है, लेकिन मैंने मुझे अच्छा लगा, इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपनी कोई कोई फेम चाहता हूँ, लेकिन ये जो मुझे मिला है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको भी देना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपने ग्रुप से अभी अलग हूँ, ताकि आप लोगों को इस इलाके के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और मैंने यहाँ से दो पत्थर भी लिए हैं, छोटे पत्थर लिए हैं भाई, मुझे पता नहीं कि वो मैं किस तरीके से इंडिया वापस लेके आऊँगा, लेकिन मैं उन पत्थरों को देखकर याद करूँगा कि मैं उस जगह पर गया था जहाँ पर प्रेरित पौलुस ने सेवकाइयाँ की हैं। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला ये सात कलीसियाओं के जो भ्रमण के बाद उनको देखने के द्वारा, बहुत से चैलेंज मिले। हम उन सात कलीसियों को जिनका जिक्र प्रकाशित वाक्य में है, सब जगहों पर देखने के लिए प्रभु ने ये मौका दिया, मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ कि प्रभु की कृपा से ये मुझे समय मिला कि मैं इन जगहों पर आ सकूँ। और आज ये लगभग हमारा आखिरी जो इन जगहों को देखने का दिन था, मिलेतुस, हमने उसी जगह पर हम लास्ट में आए हैं जहाँ पर पौलुस ने अपने चेलों को आगे की जो सेवा थी वो थमा दी थी, उनके हाथ में उन्होंने सेवकाई दी थी कि अब आप लोगों को करना है। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज वो सेवकाई हमारे हाथ में है, कल को जब मैं नहीं रहूँगा तो वो सेवकाई मैं भी अपने कुछ विश्वास योग्य लोगों के हाथ में देकर चला जाऊँगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दो। मैं कुछ समय अभी दुआ में यहाँ पर बिताना चाहूँगा, मैं कुछ समय प्रार्थना करना चाहूँगा यहाँ पर।